हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों, नीलामी से पहले आईपीएल 2022 से बाहर हुए पांच बड़े खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है आईपीएल 2022 को लेकर। दोस्तों, इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें आईपीएल 2022 के लिए जो कि मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कुल 1214 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, जिन पर बोली लगने वाली है। तो दोस्तों, बता दें कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो कि अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, उन्हीं के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो कि अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं दिया है, वह है मिचेल स्टार्क। जी दोस्तों, मिचेल स्टार्क जो कि एक शानदार तेज गेंदबाज है और सभी का उम्मीद था कि अपना नाम मेगा ऑक्शन में देंगे इस वर्ष, लेकिन मिचेल स्टार्क अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं दिया है। वही दोस्तों, बात करें दूसरे खिलाड़ी का, तो दोस्तों वह है बेन स्टोक्स। जी दोस्तों, बेन स्टोक्स जो कि एक शानदार ऑलराउंडर है और कई वर्षों से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं दिए हैं, इस वजह से आईपीएल 2022 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं बेन स्टोक्स। वही दोस्तों, बात करें तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी, तो दोस्तों वह है क्रिस गेल। जी दोस्तों, क्रिस गेल जो कि बेहद ही कई वर्षों से आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन इस वर्ष वह भी नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि मेगा ऑक्शन में नाम क्रिस गेल भी अपना नहीं दिए है। वहीं दोस्तों, बात करें चौथा बड़ा खिलाड़ी जो कि वह है जोफ्रा आर्चर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जोफ्रा आर्चर जो कि शानदार तेज गेंदबाज है और वह भी अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं दिए हैं, इस वजह से आईपीएल 2022 में नहीं खेल पाएंगे। वहीं दोस्तों, बात करें पांचवें बड़ा खिलाड़ी, तो दोस्तों वह है सैम कुरन। जी हाँ दोस्तों, सैम कुरन जो कि एक शानदार ऑलराउंडर है। तो दोस्तों, बता दें कि चेन्नई की तरफ से कई शानदार प्रदर्शन भी किए, लेकिन इस वर्ष मेगा ऑक्शन में नाम नहीं दिए हैं, इस वजह से वह आईपीएल 2022 के हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, यह पांच बड़े खिलाड़ी जो कि नीलामी से पहले ही आईपीएल से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ी को अपना नाम देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।